आस्तिक के पॉडकास्ट अब सुने गाना ऐप पर भी। तांबा शरीर पर पहनने के 10 फायदे और जरूरी नियम। कुछ लोग हाथों में तांबे, पीतल या चांदी का कड़ा, अंगूठियां या लॉकेट पहनते हैं। तांबा सूर्य ग्रह को, पीतल बृहस्पति ग्रह को और चांदी चंद्र ग्रह को बलवान करता है। हालांकि किसी ज्योतिष की सलाह पर ही इसे पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं तांबे का कड़ा पहनने के 10 फायदे और साथ में धातु धारण से जुड़े नियम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। तांबे का कड़ा पहनने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। इसे पहनने से सर्दियों में होने वाली जकड़न को कम किया जा सकता है। पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये बेहद कारगर है। कहते हैं कि तांबा कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखने का कार्य करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलता है। ये स्किन केयर का भी काम करता है। तांबे को पहनने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तांबा शरीर में मौजूद दूसरे टॉक्सिन को कम करने का काम करता है। कहते हैं कि इसे पहनने से हीमोग्लोबिन बढ़ाने और संतुलित करने में भी मदद मिलती है। ये आपके क्रोध को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाथ में कड़ा धारण करने से कई तरह की बीमारियों से भी राहत मिलती है। पीतल और तांबा मिश्रित धातु का कड़ा पहनने से आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही साथ इसके पहनने से सभी तरह के भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यदि आपका सूर्य कमजोर हो तो राजसी सुख, किसी बड़े पद या बड़े नेता बनने का सुख आपको नहीं मिलता। साथ ही घर परिवार का सहयोग भी नहीं मिलता। ऐसे में तांबे का कड़ा पहनने से सूर्य बलवान हो जाएगा, जिसके चलते मान सम्मान के साथ उन्नति भी बढ़ेगी। कड़ा हनुमान जी का प्रतीक है। कहते हैं कि इसे पहनने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और संकट मोचन आपके संकट दूर करते हैं। कहते हैं कि इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। और अब जानते हैं तांबा धातु पहनने के नियम। तांबे का कड़ा पहनने से पहले आप अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को जान लें और ज्योतिष की सलाह पर ही पहने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तांबा आपको हमेशा अच्छे फल ही देगा। लाल किताब ज्योतिष के अनुसार हाथ पराक्रम भाव है, गला लग्न भाव है और हर एक धातु का एक ग्रह नक्षत्र है जिसका उस पर प्रभाव होता है। लाल किताब के अनुसार कलाई पर, उंगलियों में या गले में कोई सी भी धातु को बहुत ही सोच समझ कर पहनना चाहिए। ये आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है। लाल किताब के अनुसार गला हमारा लग्न स्थान होता है और लॉकेट पहनने से हमारा हृदय और फेफड़े प्रभावित होते हैं। अतः लॉकेट सिर्फ 3 तरह की धातु का ही पहनना चाहिए, पीतल, चांदी और तांबा। सोना भी सोच समझ कर ही पहने या किसी ज्योतिष की राय लेकर ही पहने। गले या हाथ में कुछ भी बगैर सोचे समझे पहनने से आपके मस्तिष्क में परिवर्तन होता ही है। साथ ही आपके ब्लड प्रेशर में भी बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि इससे धीरे धीरे आपकी बेचैनी बढ़ रही हो, दिल की धड़कनें धीमी पड़ने लगी हों या तेज चलने लगी हों। आपको इसके असर का पता सीधे तरीके से नहीं चलता। ठीक उसी तरह जिस तरह की काले या मटमेले रंग के कपड़े पहनने के असर का पता आपको नहीं चलता है। जैसा कि हमने बताया है कि कड़ा हनुमान जी का प्रतीक है। बहुत से लोग कड़ा पहनने के बाद किसी भी प्रकार का नशा करते हैं या दूसरे कोई अनैतिक कार्य करते हैं, उसे इसकी सजा जरूर मिलती है। इसलिए कड़ा सोच समझकर पहने, क्योंकि कड़ा हनुमान जी का आशीर्वाद स्वरूप है। अतः अपनी पवित्रता पूरी तरह बनाए रखें। कोई भी अपवित्र कार्य कड़ा पहनकर ना करें, वरना कड़ा प्रभावहीन तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। कड़े को पहनने के पूर्व दिन, वार, नक्षत्र, मुहूर्त आदि को जान लें, तब ही कड़ा पहने। अच्छे मुहूर्त पर कड़ा पहनने से आपको अभी तक बताए गए सभी फायदे होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपने हाथों में कड़ा या कोई और धातु अपने गले या उंगलियों में पहन रखी है या पहनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको उसके पहनने के बाद कोई बदलाव महसूस हुआ है, हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।